इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति के बहुत ही बढ़िया एक ट्रिक, जहाँ पे आपको फाइंड करना होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर। ये मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर से कम आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, चाहे एसएससी का, एमटीएस का, या बैंकिंग के, या रेलवे का, सारे पेपर्स में जो है यहाँ पे साल भर में कम से कम 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा टाइम्स जो है रिपीट होते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत ही ईजी है ना, बहुत ही आसानी से जो है आप 2 सेकंड से भी कम समय में इन्हें सॉल्व ज़रूर कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम इन्हें जो है कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 + cos 2x का जो है हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इसका फाइंड करना होगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ सिंपली दो चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक जो है ये साइन थीटा एंड दूसरा है हमारा कॉस थीटा। ये दोनों अगर आपको पता है, साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है आपको ये जानना ज़रूरी है। साइन थीटा का वैल्यू जो होता है हमारा -1 से लेके 1 तक जो है लाई करता है। सिंपली जो है कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से लेके 1 तक ही जो है ये लाई करता है। सिर्फ ये दोनों को आपको याद रखना है एंड इसी दोनों के वजह से जो है आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एंड यहाँ पे अगर कॉस को से कुछ भी दे दिया जाए तो आप जो है इन दोनों से उन्हें निकाल के ज़रूर पाओगे। हालांकि कॉस को से 10 cot से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, साइन एंड कॉस से जुड़ी ही मैक्सिमम 90% ऑफ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो साइन एंड कॉस से जुड़ी ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा 1 + cos θ, 1 + cos 2x, 2x को आप जो है यहाँ पे थीटा मान सकते हैं, या फिर 1 + cos 2x को जो है आप फार्दर इन्हें जो है फॉर्मूले से जो है डिवाइड करके भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम cos 2x को अगर थीटा माने तो cos हम पहले निकाल रहे हैं, हमको मैक्सिमम पहले निकालना है तो हम मैक्सिमम निकालते हैं। मैक्सिमम हमारा क्या हो गया, cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, cos का मैक्सिमम वैल्यू होता है हमारा 1। तो यहाँ पे हम cos का वैल्यू सिंपली जो है 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 पुट करने से ये आ जाएगा कितना, मैक्सिमम वैल्यू ये आ गया हमारा 2। एंड इसका हमको मिनिमम फाइंड करना होगा, तो इसका कॉस का हमारा मिनिमम वैल्यू क्या होता है, कॉस का हमारा मिनिमम वैल्यू होता है -1। तो यहाँ पे अगर हम -1 पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो है हमारा यहाँ से निकल के आ गया है, मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा एंड मिनिमम वैल्यू जो है 0 होगा। कितना आसान एंड कितना ईजी तरीका है, कितना वक्त लगेगा आपको, आप देखेंगे एंड आसानी से जो है इसको टिक करके चले आएंगे। एंड इसी तरह के ही क्वेश्चन जो है आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। यहाँ से कुछ जुड़ी जो है फॉर्मूले से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, हम आगे फॉर्मूले से जुड़े हुए क्वेश्चन को भी करेंगे, जिससे आप जो है अगर वो सारे फॉर्मूले अगर आप ये याद रखते हैं तो वहाँ से भी आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो इसका जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो लाई करेगा ये हमारा 0 से लेके जो है ये 1 + हमारा cos 2x हो गया, ये 2 के बीच में जो है इसका वैल्यू लाई करने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ से डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin²θ + 3 cos²θ। कभी भी अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो है बी कॉस स्क्वायर के थीटा के फॉर्म में कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जहाँ पे आपको फाइंड करना होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना कि जो भी यहाँ पे ए एंड बी में से जो बड़ा रहेगा वो होगा मैक्सिमम वैल्यू, एंड इन दोनों में से जो छोटा होगा वो होगा मिनिमम वैल्यू। तो सिर्फ आपको ये सिर्फ जो है ये याद रखना है, यहाँ से अगर ए साइन स्क्वायर, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 3 है, बाकी देख सकते हैं सारे एज इट इज़ है। यानी कि यहाँ से अगर हम मिनिमम हमको फाइंड करना होगा तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, अगर हमको मैक्सिमम फाइंड करने के लिए कहा जाता तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाता हमारा यहाँ से 3। ऐसे ही जो है आप फॉर्मूले के मदद से जो है यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, फॉर्मूले से ही जुड़ी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड
दो तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जो हो गया हमारा फॉर्मूले के बेस में, एंड दूसरा अगर पूछा जाता है तो साइन एंड कॉस के ऊपर ही जो है डिपेंड करके पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सारे जितने भी फॉर्मूलेस हैं उन सारे फॉर्मूलेस को हम देख लेते हैं एक बार। आप जो है उन्हें स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड फायदेमंद यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे जो भी सारे फॉर्मूलेज है, जितने टोटल 9 फॉर्मूले हैं, 9 को याद करने का तरीका जो है बहुत ही आसान है एंड बहुत ही इजी तरीके से जो है आप इन्हें याद जरूर कर पाएंगे। तो अगर वैल्यू कभी भी अगर जो है थीटा का वैल्यू हमेशा याद रखना, थीटा के वैल्यू अगर 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में लाई करे तो जो है यहाँ से इस फॉर्मूले के मदद से जो है आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन दिया जाए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, मान लीजिए 5 sin θ प्लस में हो गया हमारा जो है यहाँ पे 4 कर लीजिए, ये 4 sin θ प्लस में हो गया 3 जो है हमारा कॉस थीटा। इसका हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना है। तो ये इस फॉर्मेट में आ चुका है, पहले वाले फॉर्मेट में मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट करेंगे इसको हम, 4 का यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी कि -25 जो है इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा एंड मैक्सिमम जो है यहाँ पे से 25 आ जाएगा। ऐसे फॉर्मूले के बेस में ही बहुत से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एंड आगे भी ज़रूर पूछे जाएंगे यहाँ से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड जो है त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। चले अब इसको हम याद कैसे करेंगे, सिर्फ ये देख लीजिए, दो तरीका है। यहाँ पे सिर्फ पहले वाले को ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ये हमारा हो गया अगर ऐसे रहे, एंड अगर ए कॉस जो हमारा साइन स्क्वायर से लेके है तो साइन स्क्वायर करके अगर हो तो इन ए एंड बी में से जो बड़ा होगा वो बड़ा नंबर है जो है मैक्सिमम नंबर, एंड जो छोटा होगा वो मिनिमम नंबर। एंड एक जो है हमारा ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, ये तीनों को सिर्फ आपको जो है याद रखना है। ए सेक थीटा एंड बी कोसेक थीटा का वैल्यू होता है हमारा ब्रेकेट में हमारा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, होल स्क्वायर होता है ये हमारा इसका मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिटी होता है। एंड बाकी जितने भी सारे हैं सारे का देख सकते हैं आप जो है फॉर्मूला एक ही है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर आए तो 2 अंडर रूट जो है ए वी, ए कोसेक थीटा बी सेक थीटा अगर आए तो अंडर रूट जो है ये, यहाँ पे देख सकते हैं साइन एंड कोसेक जो है एक दूसरे के ओपोनेंट है, यहाँ पे इतना हो गया। कॉस एंड सेक जो है एक दूसरे का ओपोनेंट है, टेन एंड कॉट जो है एक दूसरे का ओपोनेंट है, साइन एंड जो है कोसेक एक दूसरे का ओपोनेंट है, यहाँ से कॉस एंड सेक जो है एक दूसरे का ओपोनेंट है, यहाँ से टेन एंड कॉट जो है एक दूसरे का ओपोनेंट है। यहाँ से देख सकते हैं ये तीनों को अगर सिंपली याद कर लीजिए एंड यहाँ पे सिंपली जो है स्क्वायर करके भी जो भी यहाँ पे सिंपल जो है ये साइन थीटा प्लस बी कोसेक थीटा जो आएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा वही आएगा। तो आपको सिर्फ जो है याद रखना है, ये तीनों याद रखना है। अगर आप वीडियो को एक से दो बार देखते हैं तो ये तीनों जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा जो होता है हमारा माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एंड सिंपली अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा अगर कर दिया जाए तो उनमें से जिसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा वो मैक्सिमम नंबर, जिसका वैल्यू ज़्यादा कम होगा वो मिनिमम नंबर होगा। तो यहाँ से जो है आप जो है सारे क्वेश्चन को आसानी से जो है आप ज़रूर सॉल्व ज़रूर कर पाओगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।